हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये हिबिस्कस है और हाइब्रिड हिबिस्कस इस समय हमारे गार्डन बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ पे हैं, उनमें फूल आ रहे हैं। फूलों का पेटल बहुत ही बड़ा होता है, तो हाइब्रिड हिबिस्कस आप ला करके अपने गार्डन में ज़रूर लगाएँ। इनके फूलों का साइज़ बहुत बड़ा होता है, कलर भी बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं और आपकी मर्ज़ी के ऊपर है आप कौन से कलर का हिबिस्कस लगाना पसंद करते हैं। इन दिनों इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है और प्लांट में काफ़ी ग्रोथ बनी रहती है। बड़ों से भरा प्लांट है हमारा और फूल भी आ रहे हैं। तो आज की वीडियो मैं इसी हिबिस्कस पे आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। अगर हिबिस्कस आपने लगाए हुए हैं तो उनकी थोड़ी केयर करें ताकि उनमें फूल आते रहें। और क्या मैंने इसको किया हुआ है, यही मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी आप देख सकते हैं ये प्लांट हमारा बड़ों से भरा हुआ है, मैंने इसकी समय समय से केयर की हुई है। अभी समर में इनमें बड आ रहे हैं, इनकी ग्रोथ आपके सामने है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो पहले तो अगर आपने समर में हिबिस्कस रखे हुए हैं तो उनको इस तरह से पानी दीजिए ताकि उनकी मिट्टी में अच्छी तरह से नमी बनी हो और प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ पर रहे। जब आप उसको पानी देते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल बनी होती है और प्लांट आपका ग्रोथ पे बना रहता है। पहला तो पानी, दूसरा फिर उसको आप क्या फर्टिलाइज़र देते हैं, ये सब मायने रखता है। तो किस समय क्या फर्टिलाइज़र दिया हुआ है मैंने, यही मैं बताने वाली हूँ। जब मैंने इसको लगाया हुआ था तो इसकी मिट्टी में ऑलरेडी मैंने अपने गार्डन से बनी हुई जो भी वेस्ट मटेरियल से मैं कंपोस्ट बनाती हूँ वो मैं अपने सभी फ्लावर प्लांट के पॉट में देती हूँ और प्लांट हमारे ग्रोथ पे बने रहते हैं। इसी तरह से मैंने इसको भी दिया हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी कितनी अच्छी ब्लैक कलर की बनी हुई है और प्लांट हमारे अच्छी ग्रोथ पे बने हुए हैं और इनमें फूल आ रहे हैं। सनलाइट की बात करें तो आपने अगर हाइब्रिड हिबिस्कस लगाए हुए हैं तो सनलाइट तो इनको बहुत ही पसंद है, पर कहीं आपने अगर इनको टेरेस पर रखे हुए हैं तो थोड़ा शेड में आप इनको रखने की कोशिश करिए, क्योंकि धूप तेज़ होने की वजह से फूल इनके शाम तक जल जाते हैं। ये तो मेरी अपनी प्रॉब्लम है कि मेरे पास कहीं शेड में जगह नहीं है, इसलिए से हमारे ये टेरेस पे ही रखे हुए हैं। और जब सुबह इनके फूल खिलते हैं तो बहुत ही तरोताज़ा रहते हैं, शाम होते होते ये फूल कुछ जल से जाते हैं, लेकिन अब मुझे तो रखने हैं इसलिए से मैंने इनको टेरेस पर ही रखा हुआ है। उसके बावजूद भी इसमें बहुत अच्छी कलियाँ आई हुई हैं और बड़ों से ये भरा हुआ प्लांट हमारा है। मैंने इसको थोड़ी केयर की हुई है, इसमें अभी किसी भी तरह के कोई पेस्ट नहीं लग रहे हैं और प्लांट हमारा स्वस्थ है। फर्टिलाइज़र मैंने इसको समय समय से दिया हुआ है और प्लांट बहुत अच्छी तरह से बडिंग किया हुआ है। कुछ दिनों पहले मैंने इसको बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया हुआ था। अगर आप भी देना चाहते हैं तो कुछ केले के छिलकों को आप पानी में भिगा दीजिए और 24 घंटा भीगने के बाद में जब पानी का कलर चेंज हो जाए तो उस पानी को आप सादे पानी में डिज़ोल्व करके और अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको दिया हुआ है। अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट केले के छिलकों को इसकी मिट्टी में दबा देते हैं तो भी प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ पे बना रहेगा। केले में भरपूर पोटेशियम होती है और पोटेशियम की मात्रा उसमें काफ़ी होती है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो केले का यूज़ अगर आप अपने गार्डन में करते हैं और उनके छिलकों को आप समय समय से किसी भी रूप में अपने प्लांट्स को देते हैं तो यकीन मानिए प्लांट आपका बहुत अच्छी ग्रोथ पे बना रहेगा और उसमें फूल आते रहेंगे। फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा, प्लांट देखने में हरा भरा व स्वस्थ भी होगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसकी चलती रहेगी। यही सब मैं करती हूँ अपने हिबिस्कस प्लांट में और हमारे गार्डन में हिबिस्कस बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ पर रहते हैं और उनमें फूल आते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इसी तरह से फर्टिलाइज़र देंगे और जिस भी तरह से आप देना चाहें दे सकते हैं, प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ पे रहेगा और उसमें फूल आते रहेंगे। तो चलिए, ये हिबिस्कस हैं, क्या ग्रोथ हो रही है ये तो मैंने दिखा दिया है, साथ ही साथ मैं अपने पर्सलेन एंड पोर्चुलका को भी दिखा देती हूँ क्या ग्रोथ हो रही है और फिर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। समर के ये भी बहुत ही अच्छे एक फ्लावर हैं जो मॉस रोज़ हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, काफ़ी फूल आए हुए हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इन दिनों इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, बहुत ही खूबसूरती से इनमें फूल आए हुए हैं, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं ये।
तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।